अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के शुक्र से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज मैंने बनाया है आम पापड़, तो इसकी रेसिपी बताऊँगी मैं। वेलकम टू सबा फूड्स। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें माय चैनल। तो ये मैंने ले लिए हैं 1 kg आम, कच्चे आम हैं ये। ये मैंने छील लिया इनको, थोड़े से कच्चे और थोड़े से पक्के भी हों तो वो भी चल जाएंगे। तो ये कोई कोई थोड़ा सा अंदर से लाल था लेकिन थे ये थोड़े खट्टे से, तो ये मैंने काट लिए इनको और पानी उबाल के और उसके अंदर ये डाल के हमें इन आंबियों को, आमों को उबाल लेना है। मतलब 5-7 मिनट तक इनको उबाल लेना है। ये एकदम मतलब उबल से जाते हैं, ये देखिए थोड़ी सी देर में ये उबल जाएंगे और इनका पानी हमें छान के अलग कर लेना है। ये पानी भी हमारा काम में आता है, इसका आम पन्ना बना सकते हैं कुछ भी, गर्मियों में बहुत अच्छा रहता है ये। और इसे आम को हम पीस लेंगे, बहुत अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। ये हमने ग्राइंड कर लिया है, सारे आमों को हमें ऐसे ही पीस लेना है। पीस के फिर हमें इसको छान लेना है। छानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें फिर भी थोड़ा बहुत रह जाता है। तो इसको छान के हमने देखिए बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बन गया इसका। अब इसको हम चढ़ा देंगे चूल्हे पे, इसको हम पकाएंगे। इसके अंदर हम डालेंगे अभी थोड़ी सी चीज़ें, ये देखिए इसको हमें पका लेना है और ये गाढ़ा गाढ़ा से ही रहना चाहिए थोड़ा। ये मैंने काली मिर्चें हैं पिसी हुई और ज़ीरा है और थोड़ा सा मैंने इसमें काला नमक डाला है और 1 कप चीनी डाली है। आप इसके अंदर खट्टा मीठा जैसे भी आप टेस्ट चाहें वैसे कर सकते हैं। मिर्ची करना चाहें और तो इसमें और थोड़ी कुटी हुई मिर्ची भी डाल सकते हैं, पिसी हुई भी डाल सकते हैं, फ्रूट चाट मसाला भी डाल सकते हैं। ये थोड़ा सा मैंने फ्रूट कलर डाला है, जर्दे का रंग यही है क्योंकि आम पापड़ ज़्यादातर ऑरेंज कलर का होता है ना, तो इसलिए मैंने ऑरेंज कलर ही डाला है इसके अंदर। अब हम इसको पकाएंगे ज़रा थोड़ी सी देर तक, मतलब 5-7 मिनट तक हमें इसे पकाना है। तो ये थोड़ा सा गाढ़ा होने लगेगा और थोड़ा सा इसमें ताल सा भी आ जाएगा। और इसको चख लें आप, जितना आपको मीठा खट्टा रखना है वैसा कर लें। अगर आपकी कैरी है थोड़ी कम खट्टी है तो उसमें थोड़ा सा नींबू भी निचोड़ सकते हैं, और या फिर अगर खट्टी है कैरियाँ तो कोई बात नहीं, वो तो बहुत मज़े का लगता है। अब ये मैंने एक ट्रे ले ली है, इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको वो कर लिया। अब 5-7 मिनट पकाना होता है उसको, ज़्यादा देर नहीं पकाना होता है कि हमें उसको बहुत जमाना है या कुछ वो नहीं करना। जितना जम जाएगा उतना बहुत मुश्किल में फैलेगा, तो उसको ऐसे ही रखें जो आप आराम से फैला सकें। तो ये देखिए मैंने इसको इसके अंदर सारा डाल दिया, 5-7 मिनट में बहुत आराम से ये पक जाता है। अब इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा कर करके फैला लें, और अगर फैले ना तो किसी चम्मच से या किसी भी चीज़ से इसको पूरी ट्रे में आप फैला लें अच्छी तरह। थोड़ा फैलाने में मुझे इसको परेशानी सी आई थी क्योंकि मैंने ट्रे थोड़ी ज़्यादा ही बड़ी ले ली थी। मैंने सोचा था ये चौरस सी है तो आराम से बन जाएगा, तो पहले तो मैंने इससे ब्रश से फैलाया, फिर मैंने चमचे से इसको, स्पून से इसको स्मूथ करके फैला दिया था चारों तरफ, तो ये बहुत अच्छी तरह फैल गया था फिर। और आगे व्लॉग भी है, ये नहीं है कि खाली रेसिपी है, आगे व्लॉग भी है। तो ये देखिए ये सारे में मैंने फैला दिया और इसको फिर मैंने रख दिया था धूप में पूरे दिन के लिए। मतलब मैंने दोपहर को रखा था, फिर मैंने शाम को इसको, ये देखिए सूख गया है। और अगर ना सूखे थोड़ा सा रह जाए तो पंखे में भी आप इसको सुखा सकते हैं, और आप इसके लंबे लंबे से पीस जैसे भी आप इसको जिस भी शेप में काटना चाहें वैसे काट लें। ये देखिए बहुत आसानी से निकल जाएगा क्योंकि नीचे हमने ऑयल लगाया था। और इसके बाद आप किसी भी शेप में इसको काट लें। ये मैंने इसका रोल बनाया था पूरे का, तो बहुत मोटा रोल बन गया था, फिर मैंने आधा काट काट के इसके रोल बना दिए थे थोड़े से के, मैंने कि इसको क्या नाम है, थोड़े से रोल बना देती हूँ, थोड़े से वैसे काट लूँगी। ये देखिए रोल बन गया, क्योंकि मैंने घर में खाने के लिए बनाया था, कोई फिनिशिंग तो इतनी वो नहीं है। और एक हाथ में मेरे कैमरा था तो इसलिए ज़्यादा मुझे परेशानी हो रही थी, स्टैंड में मैंने कैमरा नहीं लगाया था वरना ये इतना हिलता ना। अब ये मैंने सारी वो निकाल ली थी तो इसको मैंने काट लिया, जैसे आम पापड़ बाज़ार में मिलता है उस टाइप के काट लिए थे, एक के ऊपर एक रख दिए थे सारे, और मैंने एक हिसाब से ही काट लिए थे कि बिल्कुल एक साइज़ के बन जाए। और आप इसको जितना सुखाओगे ना इतना अच्छा बनेगा ये। थोड़ा सा मैंने इसको ज़रा जल्दी ही वो कर लिया था, मतलब थोड़ी सी देर और सूखता ना तो ये और ज़्यादा वैसा हो जाता, लेकिन अभी ये बहुत ही मज़े का लग रहा था। ये देखिए बन के तैयार हो गए हमारे आम पापड़।
बहुत आसानी से बन जाते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आम पापड़ बनाना आप भी बनाइए। और शाम को मैंने बनाया था घिया गोश्त घर में, ये देखिए घिया गोश्त बनाया था मैंने। मेरा जी चाह रहा था बहुत दिनों से घिया गोश्त खाने का, बच्चे नहीं खाते हैं शौक से। और फिर थोड़ी सी देर के लिए जेबा भी आ गई थी रात को। अन्ने मामा का बकरा इसको एक घंटे रोज के चाहिए। रास्ते में चालू कर देते हैं। नन्नी आई है, नन्नी आई है, अब जाएगी, अभी चली जाएगी। अभी आई है, अभी चली जाएगी। और इस्माइल को तो लिया नहीं है, खीरे खा रहा है अंदर बैठ के। खीले खा ले हो चू इन सुंदर बच्चे। माइल हाय करना, हाय माइल, शर्मा गया वो। माइल माइल हाय, हाय गाइस, हाय गाइस कर दो, बता दो हमारी मैं आ गई, मामा ने मामा की मैं आ गई, मामा की मैं आ गई, मैं आ जाओ मैं के पास, तो आ जाओ मैं पैर में क्या लगा हुआ है बस पता है। नन्ने के पक रहे हैं तो मम्मी आप बना रही हैं हलवा सूजी का। बनवा कौन रहा है? मैं बनवा रहा हूँ। टाइम क्या हो रहा है? 1:01 रात के 1:01 नहीं हो रहा, टाइम तो ज़्यादा हो रहा है मम्मी। टाइम हो रहा है 1:36। डेढ़ बजे हलवा और साथ में चाय, क्योंकि भाई देखो मैं मेरी रात ही दिन होता है। अब इसमें मेरी गलती नहीं है, अब मैं उठ गया हूँ, अब सब सोएंगे, मैं उठूँगा। चलो ठीक है, अब मैं काम करने जा रहा हूँ, पहले मैं नहा लूँ थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ। अस्सलामुअलैकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह के शुक्र से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये आज सुबह का वक्त मतलब 8:40 हो रहे हैं और मेरा काम वाम सब निपट चुका है। 7 बजे मैं फ्री हूँ अभी, और अभी मुझे लग रही है भूख, मुझे करना है कुछ नाश्ता। और उधर कमरे में मम्मी मट्टू दोनों सो रहे हैं, और क्या कहते हैं मैं अब कुछ खाने जा रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ थोड़ा अपने भटूरे वटूरे खाने। ओके बाय गाइस, ये आ चुका हूँ मैं बाहर अपने गली के बाहर, तो चलिए चलते हैं। हाँ जी, क्या हाल चाल, बातचीत कैडी? हाँ भाई फरमान भाई कैसे हैं? उड़ गए तुम लोगों ने आ गया। अरे ये दिखाए तो सही भाई, सुबह सुबह आ जाते हैं हमारे 6 बजे। और सब बढ़िया? वो देख लिया तुमने मंडी वाला ब्लॉग, बकरा मंडी का? हाँ यार वही वाला मैटर। तो फिर अली ने खाए सुबह को भटूरे खा के आए, आजकल इनको भटूरों की लगी हुई है, भटूरे खा के आ रहे हैं। और फिर हमारी घड़ी का सेल ख़त्म हुआ था, तो अली ने इसका सेल भी बदला, क्योंकि ये चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं घर में कि ये कितने ही दिन लग जाते हैं। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ये, एक तो ये घड़ी में अगर सेल ख़त्म हो जाए कितने दिन लग जाते हैं, कहते रहो लेकिन बहुत मुश्किल में आता है सेल, हर बारी भूल जाते हैं बाहर जाते हैं तो। और एक घर में अगर लाइटर ख़राब हो जाए तो हमारे पता नहीं कितने दिन तक माची से चलती हैं घर में, और हम बहुत परेशान हो जाते हैं। मार्केट से जाके आ जाते हैं लेकिन हम लाइटर नहीं ला पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें सबके घर में होती होगी, जिसके घर में होती हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैंने फिर बनाया था भिंडी गोश मट्टू के लिए, और चिल्ली पनीर बनाया था मैंने अली के लिए। दोनों ने अलग अलग फरमाइश करी थी, मट्टू ने तो नहीं करी थी, मट्टू को तो मैंने खुद बनाया था, लेकिन अली ने कहा था मम्मी चिली पनीर खाऊंगा मैं, क्योंकि फिर मट्टू चिली पनीर नहीं खाता, मुझे पता है उसका। वो देखते ही कह रहा था मम्मी मुझे ये मत देना, मैंने कहा नहीं तुम्हारे लिए मैंने भिंडी गोश्त बनाया है, तो उन्होंने शौक से खाया। तो ये देखिए फिर मैं बना रही थी चिली पनीर,
अली के लिए। अली को तो ऐसी चीज़ें ही पसंद है, आपको पता ही है दोनों की पसंद बिल्कुल अलग है। था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। छोटे छोटे शॉर्ट डाले हैं मैंने सारे, तो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। और तो फिर मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड सब्सक्राइब।